अगर आप लोग कभी राजस्थान आओ और राजस्थान आके स्पेशली बीकानेर आओ तो राबड़ी जरूर पीना, ठीक है? रबड़ी नहीं, राबड़ी पीना, ठीक है? एंड एक और बात की, यहाँ पे मेरी माँ ने भी दुकान लगा रखी है, तो वो भी ढूंढनी है अपन को कि कहाँ पे लगा रखी है, ठीक है? खिचड़ा कूटते हैं और ये सारे हैंडीक्राफ्ट सारे आपके बनाए हुए सभी चीजें मैंने तो करा लिया, फोटो शूट वगैरह। अब ये कराएगा, ठीक है? अब ये झंडू कराएगा। तो गाइस यार कैसे हो आप सभी लोग, होप करता हूं और आप सभी लोग काफी ज्यादा मस्त हो, एकदम स्वस्थ हो। तो गाइस आज का वीडियो एक व्लॉग रहने वाला है एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूं, बेसिकली जो शहर है बीकानेर उसकी शेयर कराने वाला हूं एंड वहां पे एक मेला लगा हुआ है, ठीक है? उसमें घुमाने वाला हूं और काफी ज्यादा मजा आएगा। उसी के साथ अपन लोग अपनी बाइक की भी सर्विस कराएंगे और भी बहुत कुछ काम है तो वो भी अपन लोग करने हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहना एंड ये मेरा पहला व्लॉग रहने वाला है तो फुल सपोर्ट करना, वीडियो को जरूर से लाइक करना, काफी ज्यादा मजा आएगा, सीरियसली काफी ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ पे एंड अभी आगे अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे अंदर क्या क्या है, क्या क्या कुछ स्पेशल है। तो चलिए तो वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, थोड़ा झूल के भी चेक करेंगे बट पहले घूमेंगे, अभी झूलेंगे नहीं पहले घूमेंगे। एंड मेरे ख्याल से यार यहाँ से थोड़ा मुंह धो लेते हैं, पहले मुंह धोना ठीक रहेगा, ठीक है? इतना लंबा करके आया है तो ये ठीक रहेगा। अभी फेस वेस धो लिया, ठीक है? अभी यहाँ पे आगे देखेंगे कुछ दुकान वुकान है यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, ये स्टॉल नंबर वन है। एंड एक और बात की, यहाँ पे मेरी माँ ने भी दुकान लगा रखी है तो वो भी ढूंढनी है अपन को कि कहाँ पे लगा रखी है, ठीक है? यहाँ से स्टार्टिंग से है ये अपने काम करना है। खिचड़ा कूटते हैं और ये सारे हैंडीक्राफ्ट सारे आपके बनाए हुए सभी चीजें, बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है। यहीं पे पास में गांव है, ब्लॉगिंग करने के लिए आए, घूम के यूट्यूब के लिए वीडियो करते हैं, यूट्यूब के लिए। ये मिट्टी के ये भाई अपने आ गया, और भाई ये किसी को पहनना हो तो लेडीज के, लेडीज के बाबा जी का ठुल्लू है, किसी को पहनना हो तो बाबा जी का ठुल्लू देख लो भाई। ये भी कपड़े की दुकान है। ना वो बहुत ही तगड़ी है और काफी ज्यादा दुकानें लगी हुई है, मैं मतलब एक एक दुकान तो मैं आप लोगों को घूम के दिखा ही नहीं सकता। और शाम के वक्त में जब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा ना फिर देखना कितनी भीड़ आती है। एंड ये जो लगा है ना मेला, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया है एंड ये इसलिए करवाते हैं ताकि जो महिला है उनको प्रोत्साहन मिले, वो कुछ काम कर सके, अपने दम पे कुछ कर सके, इसीलिए ये लगाते हैं। यहाँ पे काफी सारी ऐसी लगी हुई है स्टॉल, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। और इसकी एक और स्पेशल बात है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती है ना वो सब की सब लगभग हाथ से ही बनी होती है, घर पे बनाते हैं फिर यहाँ पे सेल करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जो हस्तकला है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रही हो सब हाथ से बनी हुए हैं, और कुछ भी हो यहाँ पे लगभग सारी भी की सारी चीज़ें ना वो हाथ से ही बनती है, तो हाथ से हस्तकला को प्रोत्साहन मिलता है। इस चीज़ कुछ भी करो, खुद का बनाओ, खुद का बेचो, तो इससे आत्मनिर्भरता बनती है, जैसे महिलाएँ आत्मनिर्भर होती है। ये अच्छा काम है यार, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया।
और ये जो जगह है ना पीछे आप देख पा रहे हो मेरे, यहाँ पे क्या होता है शाम के वक्त में डांस वांस चलता है, कोई भी प्रोग्राम होना यहीं पे होता है शाम के वक्त में होता है। तो शायद आज भी कुछ होगा और होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि मैं शाम तक यहीं पे हूँ और म्यूजिक बहुत तेज है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ढूंढ लिया, लगभग सारी दुकानों में ढूंढ लिया, यहाँ पे मेरी माँ की भी एक स्टॉल लगाई हुई है, चाय की स्टॉल है, तो वो ढूंढ रहा हूँ, एक चाय पी लूंगा उसके बाद आगे की व्लॉग शूटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मतलब आगे के मैंने पूरा ढूंढ लिया, आगे यहाँ पे सभी जगह मिल ही नहीं रही है, पीछे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगी है शायद यहाँ पे हो, शायद हो नहीं मेरे ख्याल से यहीं पे है, इधर तो फाइनली अभी चाय वाय पी ली है एंड आगे भी बहुत सारी स्टॉल है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ खाने लायक हो कुछ हो। यहाँ पे है रबड़ी, ठीक है, तो उसके अंदर छाछ है, रबड़ी है, खुडी है, रबड़ी बनाने वास्ते खुडी हाथ की इसको डालना पड़ता है, छाछ के अंदर मिक्स करना पड़ता है, उसके बाद में उसको थोड़ी देर गर्म करते हैं, उससे बनती है रबड़ी, ठीक है, थोड़ी देर नहीं घनी देर 1 घंटा मने रबड़ी। हां मतलब ये देखो ये रबड़ी है, यहां पे लस्सी है, ठंडी लस्सी है, ठीक है, और लस्सी मिलाओ ना जीरो पियोगे। तो अभी थोड़ी देर आगे घूम लेते हैं उसके बाद आके पियेंगे वापस आके, ठीक है, पहले एक दो ये स्टॉल है यहाँ पे, देख लेते हैं उसके बाद वापस आके। यहाँ पे क्या क्या है? मूंगी है, बेसन पापड़ी है, अच्छा, और कांजी बड़ा है, कुछ खाना है यहाँ से? तेरी मर्जी, क्या कहें, क्या चीज़ मतलब अच्छी क्या होती है सबसे? ये आइटम चेक करके देखो, कांजी बड़ा, कांजी बड़ा बेस्ट आइटम है, नया आइटम है आपके लिए, चलो कर दो। तो ये कैमरा है अपना, इससे बहुत कुछ शूट करते हैं, वैसे बेसिकली जो वीडियो देखते हो ना आप मेरे रोस्टिंग चैनल वाले पे, कुछ उससे शूट करते हैं, कभी कभार इससे भी शूट करते हैं, मैं ज़्यादा फ़ोन को यूज़ में लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यार ये बढ़िया रहता है, स्टेबल बहुत अच्छा रहता है हाथ के अंदर, कुछ भी करो इससे, एंड इनको इतना हिला डुला नहीं सकते यार, ऐसे रखना पड़ता है, हाथ दर्द करने लगता है, इसको कितना भी हिलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको जाने से। तो चलो ये बना रहे हैं, तब तक आइसक्रीम ले लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया, इसको पकड़, देखते हैं भाई कैसा है खाने में, इसको खाना पड़ता है तोड़ के, ये पीने का ही है, बढ़िया है, एक नंबर। अभी आप पीना राजस्थान की सगड़ा मेन चीज, जबकि में सगड़ा ज्यादा स्वाद हुआ, रबड़ी अलग हुआ आए राबड़ी, ठीक है, तो अभी मैं मारवाड़ी में बोलने लाई हूँ, चलो टेस्ट करते हैं, सबसे बढ़िया चीज यही होती है पीने लायक, स्वाद वगैरह सब चीज में बेस्ट, बजट में भी फिट, स्वाद में हिट। अगर आप लोग कभी राजस्थान आओ और राजस्थान आगे स्पेशली बीकानेर आओ तो राबड़ी जरूर पीना, ठीक है, रबड़ी नहीं राबड़ी पीना, ठीक है, एक ही बोल, यहाँ पे मिलती है आइसक्रीम, ठीक है, तो अभी गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम खाना ही सबसे अच्छा रहेगा। भाई कौन कौन सी वैरायटी देते हो पास आइसक्रीम? चॉकलेट कौन है, सब चोकोबार, चोकोबार चोकोबार है, अब ये खाएंगे, ठीक है, ये टेस्ट करेंगे, इसका टेस्ट कैसा रहता है, पर
मैं कर रहा हूँ, तू फर्क कचरा पेटी में डालना चाहिए एंड उसके बाद मैं खा के देखता हूँ कैसी है, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। ये बढ़िया था गुरु। उस दुकान इस साइड में भी बची हुई है, अभी पूरा घूमे नहीं आए तो ये भाई क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब मिलने में तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। ऐसा है कि राजस्थान में वैरायटीज आपको अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी, क्या बोलते हैं, पोपलिया, सांगरी और भी बहुत कुछ है, इसको बोलते हैं सूखी सब्जी, और ये आपको राजस्थान के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। चलो आ जाओ दिखाते हैं, यहाँ पे अराउंड होगी ना तो कम से कम 250-300 के लगभग यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, और एक जगह पे इतनी सारी स्टॉल, भाई क्या ही है, मज़ा आ गया। और इसके बाद अपन लोग फोटो शूट भी करेंगे, ठीक है, थोड़ी फोटो शूट भी करेंगे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और नाम तो आप लिख कर लो, कपड़े की दुकानें। और भाई फाइनली ये चीज, पूरे वर्ल्ड फेमस है भाई बीकानेर की, बीकानेर रसगुल्ला भी फेमस है, बीकानेर का रसगुल्ला भी फेमस है, बीकानेर की नमकीन भी फेमस है, और इन्हीं चीज़ के लिए बीकानेर जाना जाता है, नमकीन के लिए स्पेशल, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं बनती है, और यहाँ पे भी ये ये सब घर पे बनाया हुआ, हाथ से सारा हाथ से काफी प्यारे प्यारे लग रहे नहीं, दुकान आ गई। तो गाइस जो पीछे आप लोग मेरे देख पा रहे हो यही है जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध किला है, एंड आसपास से मतलब विदेश से भी यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। मैं इसको देख चुका हूँ अंदर से, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और इसके अंदर काफ़ी एंटिक पीस आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी है इसकी कारीगरी वगैरह सब कुछ। तो आज के व्लॉग में तो मैं इसको कवर नहीं करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को जूनागढ़ देखना है भाई अंदर से कैसा है तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में कवर करेंगे, अभी यहीं पे घुमा देता हूँ, और शाम को मेले में वापस से जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे अपन लोग, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे आज, वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो यहीं पे घूमेंगे, ठीक है, नॉर्मली यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एंड देखिए है हमारा प्यारा बीकाना, आते रहते भाई यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने, हम भी शायद खिंचवाएंगे यहाँ पे, एक आधी फोटो शूट करेंगे यहाँ पे, हाँ देखते हैं। ये जो जगह है ना, वैसे भी यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, ये बीकाना हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाए क्या लोकेशन है, सूरसागर भाई, सूरसागर, ये सूरसागर, ठीक है, बीकानेर का फेमस खगड़ी हो सकते हैं, अभी तो खाली पड़ा है पूरा का पूरा, वैसे भरते भी नहीं है मेरे ख्याल से, भरता कैसे, बारिश में भरता होगा थोड़ा बहुत, और तो कैसे भरता है। तो गाइस अभी आए हैं यहाँ पे इतना दूर चल के, तो थोड़ा फोटो शूट करना तो बनता है, ठीक है, थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं।
मैंने तो करा लिया फोटो शूट वगैरह, अब ये कराएगा ठीक है, अब ये झंडू कराएगा, अब ये वाला झंडू फोटो शूट कराएगा अपना। ले भाई करवा फोटो शूट करवा, है देखना इसके अभी देखना एक्टिंग तेवर आएंगे इसको देखना। हाँ ठीक है, तो फाइनली अपना फोटो शूट कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ से अपन लोग स्टूडियो की तरफ जाएंगे। हमारा स्टूडियो यहाँ पे, वो आप लोगों को दिखाऊंगा, स्टूडियो का टूर कराऊंगा, स्टूडियो कैसा है तो वहाँ पे चलते हैं। फोटो शूट तो कंप्लीट कर लिया है, ये झंडू ने कितनी फोटो खिंचवाई है, ऐसे 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 करके पोज आते नहीं है इसको, एक भी लेना वैसे बीकानेर में ना घूमने लायक इतनी जगह है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, पूरे दिन घूमते रहो, यहाँ पे इतनी लोकेशन है घूमने लायक कि लोकेशन खत्म नहीं होगी, पर आप लोग थक जाओ ठीक है। तो एक वीडियो में तो सारा कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट जब भी आएंगे ना मैं आप लोगों को एक दो लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे जोधपुर का भी शायद अपन लोग ब्लॉग शूट करने वाले हैं और बहुत तगड़ी तगड़ी जगह का ब्लॉग शूट करेंगे, तो आप लोग साथ में बने रहना। एंड चैनल को जो भी बंदे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, एंड नॉइज पोल्यूशन तो होगा ही भाई। बाहर पिचके वाले का ठेला लगा हुआ है, वहाँ से पिचके खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं लाइक यार, पिचके से कुछ बंदे समझते भी नहीं है, बट कौन नहीं समझता, सभी समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पे खाने को गुल्फी भी है और पिचके भी है, तो मेरे को तो आइसक्रीम खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, एंड पिचके भाई सभी के फेवरेट होते हैं, लगभग सारे बंदे पिचके खाना चाहते हैं, मैं भी खाना चाहता हूँ। एंड अभी सामने है तो भाई तलब लगी हुई है काफ़ी तगड़ी वाली, ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो पिचके है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मैं वहीं से खाता हूँ, पीछे एक लोकेशन है, एक ही जगह सेट होती है, जैसे बाल कटाने के पास, बाल कटाने के लिए एक ही नाई के पास जाते हैं, वैसे ही हर चीज़ का एक ही स्वाद होता है और वो स्वाद मुझे पीछे ही आता है, एक लोकेशन है वहाँ पर मैं जाते वक्त खिलाऊंगा आपको, तो वहीं से खाएंगे, अभी यहाँ पे नॉर्मली खा लेते हैं। तो कब से लगा रही है, लगाते हो परमानेंट, परमानेंट यहीं पर लगा, बढ़िया बनाना, थोड़ा तीखा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, बढ़िया बना रहे हैं, वैसे देख के ही पानी आ रहा है। हाँ गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लिया जाए, ठीक है, गन्ने का जूस बन रहा है, बढ़िया बना, इसका बनाने का प्रोसेस भी बहुत तगड़ा होता है। चलिए अभी स्टूडियो दिखा दीजिए, जैसे कि मैंने बोला था स्टूडियो कैसे चलेंगे, तो यहाँ पे जय श्री राम, ए हमारा आदमी रख रहा है स्टूडियो में, वो अपना स्टूडियो है।
तो गाइज वहाँ पे सामने अभी खाना बन रहा है, ठीक है, भोजन व्यवस्था वहाँ पे चलेंगे, जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता। एंड यहाँ पे सबसे स्पेशल बात क्या है, आपने गैस चूल्हों पे बनता हुआ खाना देखा होगा, राजस्थान में जैसे मिट्टी का चूल्हा होता है उसके अंदर आग डाल के इसे बनाते हैं ना, वो वाला दिखाता हूँ आपको, स्पेशली ये ठीक रहेगा। आप लोग देख पा रहे हो बाजरे की रोटी होती है, एंड इसको बनाने के लिए अभी कैसे बनाएंगे देख लो, अभी ये बाजरे का आटा है, ठीक है, देन इसके अंदर अभी नमक मिक्स किया थोड़ा बहुत, उसके बाद अभी पानी डालेंगे, थोड़ा गूंदना है उसके बाद, रोटी क्या की है रोटी को घी है, वो घी लगा के दे रहे हैं रोटी ऊपर, देसी घी, राठी गाय को चूरमो। ये हमारी समूह की महिला है, वो समूह में खाने की स्टार लगाई हुई समूह खाने बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितने रुपए की रोटी है? 15 रुपया की रोटी है, चौपड़ लेवे तो 20 रुपया की रोटी है। अच्छा बटर लगाओ तो 20 रुपए, नहीं तो 15 रुपए। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो काफी सारे बंदे मतलब खाने के लिए आए हुए हैं, खा रहे हैं, और इनको खाने दो, इनको परेशान नहीं करो, खाते हो परेशान नहीं करने का, एंड खाते हुए परेशान करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए अपन खाते हैं और कोई कैमरा घुसेड़ दे बीच में तो कैसा लगता है, वैसी ही फीलिंग आती है ना, तो खाते वक्त परेशान मत करो, जाने दो, अच्छा नहीं लगता है, दिल से बुरा लगता है खाते वक्त परेशान करते हैं। तो फाइनली नाइट का व्यू आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, जैसे कि अपन लोग डे में यहाँ पे आए थे तो डे में इतना कुछ खास नहीं लग रहा था यार, इतना कुछ बढ़िया नहीं लग रहा था, बट नाइट में जब अपन लोगों ने यहाँ पे विजिट किया ना, एक अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है यहाँ पे देखने को, चारों तरफ आप लोग देख पा रहे हो कितनी तगड़ी लाइटिंग है, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, क्या ही बोल दे, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास बयां करने को, तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एंड अभी अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खा लिया पी लिया और आगे मैं बोलूँगा नहीं क्या कर लिया, मतलब आप लोगों को पता है मैं क्या क्या बोलता हूँ, तो खा लिया पी लिया घूम लिया काफ़ी कुछ दिखा दिया, एंड जूनागढ़ दिखाना बाकी है, वो नेक्स्ट कभी वीडियो में दिखाएंगे, अभी अपन लोगों को जाना है वापस से गांव जाना है यार, यहाँ पे क्या करेंगे, और नाइट भी हो रही है तो थोड़ी थोड़ी सर्दी भी बढ़ रही है, और हम कुछ जैकेट वैकेट लेके भी नहीं आए तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, और बाइक पे जाना है तो ठंड ज़्यादा लगेगी, तो अभी अपन लोग क्या करते हैं फटाफट निकल जाते हैं बस यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, फटाफट निकल लेते हैं, क्योंकि बाइक में नाइट का जो सफ़र करना होता है ना वो जोखिमों से भरा होता है, और हमारे इधर का रास्ता इतना अच्छा नहीं है भाई, इतना कोई तगड़ा हाईवे नहीं बना हुआ है, तो काफ़ी जोखिम भरा काम है, तो चलते हैं यार फटाफट, बाकी यार मिलेंगे दूसरे किसी मजेदार से वीडियो के साथ, गुड डे, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।